देखिए डेफिनेटली जब इस तरह के प्रॉब्लम्स देखते हैं, इतनी लंबी लंबी मेथड्स देखते हैं, आज जब हम पहली बार इस तरह के प्रॉब्लम्स देखना और करना चालू करें हैं, तो अभी डेफिनेटली हमें यह एक लंबा मेथड और ऐसा लगता है कि क्या हम सोच पाएंगे। डेफिनेटली जब पहली बार आप देखते हो तो इट्स नॉट पॉसिबल, मगर जब इस तरह के आप 4, 5, 8, 10 सवाल कर चुके रहोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जहां इस तरह की सिचुएशंस दिखती है वहां ऐसी इक्वेशंस बनानी ही पड़ती है, लिखना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है यह सबका। और 2, 4, 8 बार जब इस तरह के आप काम कर लोगे तो फिर आपको क्लिक करने लगेगा कि हमको ऐसा करना चाहिए। एनीवे, अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक अल्टरनेटिव मेथड डिस्कस करते हैं जो कि डेफिनेटली इससे काफी इजी मेथड होएगा, मगर वह मेथड आप तभी अप्लाई कर पाते हो जब आपने वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ लिया है और मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी पढ़ लिया है। देखिए मैं ये सभी चीज साफ कर देता हूं, एट एनी इंस्टेंट के बाद जो भी कुछ लिखा था मैंने सब साफ कर दूंगा, सिर्फ प्रॉब्लम लिखा रहने दूंगा। हम कहते हैं फोर्सेस के द्वारा जो भी कुछ वर्क हुआ है दैट वर्क इज डन इन ऑर्डर टू इलोंगेट द स्प्रिंग। फोर्सेस के द्वारा जो भी कुछ वर्क हुआ है दैट वर्क इज डन इन ऑर्डर टू इलोंगेट द स्प्रिंग। सबसे पहले मास M1, मास M2 एंड स्प्रिंग ट्रीटेड एज अ सिंगल सिस्टम, इस पर नेट फोर्स लग रहा है, F2 माइनस F1, दिस इज नेट फोर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। मास M और मास M2 और स्प्रिंग के बीच का जो फोर्स है वह इंटरनल फोर्स हो गया, मास M1 और स्प्रिंग के बीच का जो kx फोर्स है वहां इंटरनल फोर्स हो गया। इंटरनल फोर्सेस अकाउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वी सिंपली नीड टू अकाउंट ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन इज F2, एक्सटर्नल फोर्स इन नेगेटिव डायरेक्शन इज F1, दिस इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। दिस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ सिस्टम M2 प्लस M1 into total acceleration of system or the acceleration of center of mass. Acceleration of center of mass of this system is F2 minus F1 upon M2 plus M1. इस सिस्टम का यह सेंटर ऑफ मास का यह एक्सीलरेशन है। वी वर्क विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अवर रेफरेंस फ्रेम वुड बी सेंटर ऑफ मास। टेक सेंटर ऑफ मास एज रेफरेंस फ्रेम, हम सेंटर ऑफ मास को एक रेफरेंस फ्रेम के रूप में देखते हैं। यदि हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं एंड दिस इज मैक्स एलोंगेटेड सिचुएशन, एल प्लस X0, इफ X0 इज मैक्स एलोंगेशन, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इधर कहीं सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ X1 हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ X2 हुआ।
हम कहते हैं इस पर फोर्स F2 लग रहा है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काम करने के लिए इस पर हम एक सुडो फोर्स लगा दे, और वह सुडो फोर्स होएगा M2 into ACM. एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरफ है पूरे सिस्टम का, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काम करने के लिए जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें सुडो फोर्स लगाना चाहिए मास M2 into एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इस पर फोर्स F1 तो इस डायरेक्शन में लगी रहा है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काम करने के लिए सुडो फोर्स M1 into ACM लगा देना चाहिए. अब हम सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन को भूल जाएं, अब सेंटर ऑफ मास बिल्कुल भी एक्सीलरेट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सुडो फोर्स पूरे सिस्टम पर लगा दिया है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है. अब हम वर्क डन बाय फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे, वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस, एंड वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस वुड बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. हम पहली एक इक्वेशन लिख देते हैं, सिंस सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट तो एम वन एक्स वन वुड बी इक्वल टू M2 X2. Since center of mass is at rest, there won't be any displacement of center of mass. So M1 into X1 or opposite direction M2 into X2. These two are equal. Now, work done by force F2 माइनस M2 इंटू ACM, ACM इज F2 माइनस F1 अपॉन दिस इज नेट फोर्स एक्टिंग ओवर दिस मास M2, F2 माइनस M2 इंटू दिस इज नेट फोर्स, और इस का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है X2. This is work done by these two forces over this mass. इस force के द्वारा इतना work करा गया है. What is work done by these two forces? इस पर force कितना लग रहा है? F1 plus M1 into A1, acceleration of center of mass, that is F2 minus F1 upon. This is net force over the system. यह total force है, और इसका displacement कितना हो रहा है? Into X1. Force into displacement is work. Force into displacement is work. This is the total work done over the system. ये पूरे system पर work हुआ है. इन दोनों को हम add कर दें, this is work done over the system. Now work energy theorem says that work done is equal to change in internal energy. ये पूरे system पर work हुआ है सभी forces के द्वारा. And this must be equal to change in energy. Change in energy सिर्फ एक ही रूप में हुई है, that is increase in potential energy of spring. This is equal to half k x naught square. हम अच्छी तरह से जानते हैं
x1 plus x2 would be equal to x0. We need to solve these two equations. Hum x1 plus x2 equal to x0 kar denge. और इधर से x1 के लिए इक्वेशन लिख देंगे, x2 के लिए इक्वेशन लिख देंगे, जो कि इधर सब्स्टिट्यूट करना है. x1 आ जाएगा m2 x0 अपॉन m1 प्लस m2, और x2 हो जाएगा m1 x1 अपॉन m1 plus m2. या दोनों वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. एंड देन सॉल्व फॉर x0. विल गेट द सेम आंसर. ऑल्दो रिलेटिवली इसमें इक्वेशन कम बन रही है, पर इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा है. ध्यान से फिर एक और बात समझाता हूं. दिस इज द ओरिजिनल सिचुएशन. इस ओरिजिनल सिचुएशन में हमने यह देखा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स F2, नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स F1. पूरे सिस्टम को हमने सिंगल सिस्टम मान लिया, जिसमें मास M1 भी है, मास M2 भी और स्प्रिंग भी है. स्प्रिंग और मास के बीच में जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो गई, kx, kx इंटरनल फोर्स हो गई. अब इस इंटरनल फोर्स का कोई काम नहीं. नेट फोर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ F2 माइनस F1. दिस नेट फोर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन. नेट फोर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन वुड बी इक्वल टू टोटल मास इनटू एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. टोटल मास M1 प्लस M2, स्प्रिंग इज मासलेस. एक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया F2 माइनस F1 अपॉन M2 प्लस M1. अब इधर हमने कहा वी टेक सेंटर ऑफ मास एज अवर रेफरेंस फ्रेम. वी टेक सेंटर ऑफ मास एज अवर रेफरेंस फ्रेम. हम सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस फ्रेम मान ले. अब सेंटर ऑफ मास स्वयं एक्सीलरेट कर रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास स्वयं एक्सीलरेट कर रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन को भूलने के लिए, इसको इग्नोर करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम स्यूडो फोर्स लगा दें. जितनी भी बॉडीज है, जितने भी पार्टिकल्स है, उन पर हम स्यूडो फोर्स लगा दें. स्यूडो फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है. जैसे यह मास M2, इस पर हम स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं. इस पर ऑलरेडी एक फोर्स F2 तो है ही, यह फोर्स F2 ऑलरेडी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है ही. इस पर हम अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस तरफ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं. कितना स्यूडो फोर्स? मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसी तरह से इधर F1 फोर्स ऑलरेडी है, इस पर एक स्यूडो फोर्स लगाना होगा. एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स, मास M1 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इस तरह से स्यूडो फोर्स लगा देने के बाद अब हम सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भूल जाते हैं. अब हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मास M1 मान लीजिए X1 से इधर गया, मास M2 X2 से इधर गया, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में. तो स्प्रिंग का एलोंगेशन X0 है, इफ X0 हैज मैक्स एलोंगेशन, और उस मैक्स एलोंगेशन की वजह से मास M1 X1 से उस तरफ गया है, मास M2 X2 से इस तरफ गया है, तो X1 प्लस X2 मस्ट बी इक्वल टू X0, मैक्सिमम एलोंगेशन. अब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, तो M1 X1 इन नेगेटिव डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू M2 X2 इन पॉजिटिव डायरेक्शन. इधर से इन दोनों को सॉल्व करके हम X1 के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके हम X2 के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. X1 इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास M1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, X2 is displacement of mass M2 with respect to center of mass. ये हमने लिख दिया. अब इसके बाद हम work energy theorem. Work energy theorem के हिसाब से जितनी भी forces हैं, उनकी वजह से जितना भी total work हो रहा है,
that must be equal to increase in internal energy of the system. सभी forces की वजह से जो भी कुछ work हो रहा है, that is equal to increase in internal energy of the system. अब इस block पर external forces कौन कौन सी लग रही है, जरा देखिए, force F2 minus M2 A2. Force F2 minus M2 into ACM. Force F2 minus M2 into acceleration of center of mass. This is the total force. ये total force लग रही है. और इसका displacement कितना हो रहा है? X2. So this is work done on mass M2. M2 mass पर इतना work done हो रहा है. M1 mass पर भी कुछ work हो रहा है. इस पर total force कितना लग रहा है? F1 plus M1 A1 acceleration of center of mass. This is total force acting over mass M1. And displacement of mass M1 is X1. Force ki direction or displacement ki direction same hai. Isliye, this is the net work done. Yaha total work mass M2 par hua. Yaha total work mass M1 par hua. Yaha total work pure system par hua. This total work over the complete system must be increased. Must be equal to increase in internal energy. अब internal energy सिर्फ एक ही रूप में बढ़ रही है, spring की potential energy के रूप में, half की x1. x1 की जगह पर यह value रखी है, x2 की जगह पर यह value रखी है, situation को simplify कीजिए, you'll get the same answer. This 13th problem. यदि इस 13th problem को हमने कर लिया तो 12th भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, 10th भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, मगर चलिए 10th प्रॉब्लम में इसी समय सॉल्व कर देता हूं तेजी से, इसको नोट डाउन कर लीजिए. मैं 10th प्रॉब्लम और तेजी से समझा देता हूं, फिर यह शीट पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी. साधारण प्रॉब्लम है 10th प्रॉब्लम. टू मासेस M1 एंड M2 बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑन फ्रिक्शनलेस इनिशियली स्ट्रेस्ड बाय x0 एट रेस्ट फाइंड डिस्टेंस मूव व्हेन दे अगेन कम टू रेस्ट. देखिए, इनिशियली एट रेस्ट तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एंड इट्स ड्यू टू एलोंगेशन. इनिशियली एट रेस्ट पर है दोनों मासेस, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर क्योंकि एलोंगेटेड है. अब हम कहते हैं पूरे सिस्टम को जब हम रिलीज करेंगे तो यह मास इधर मूव करने लगेगा और यह मास इधर मूव करने लगेगा, मगर क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, इसलिए सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाना चाहिए. मास M1, मास M2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जब यह दोबारा रेस्ट पर आएंगे, इनिशियली तो रेस्ट पर है ही, फाइनली भी एट रेस्ट रहेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली भी जीरो ही रहना है, मगर एनर्जी कंजर्वेशन से हम कहेंगे कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी सेम रहना चाहिए, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ही रहना चाहिए, मगर इस बार जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट्स
due to compression. इस बार potential energy due to compression होगी, मतलब originally दोनों masses के बीच में दूरी है L plus X naught, finally दोनों masses के बीच में दूरी होगी L minus X naught. मतलब दोनों masses L plus X naught से L minus X naught की दूरी पर आए, इसका मतलब दोनों masses का relative displacement, relative displacement जो हुआ होएगा, that must be 2x naught. This must be the relative displacement. अब यह मान लीजिए x1 से move करा और यह x2 से move करा, तो relative displacement हो जाएगा x1 plus x2. Also, since center of mass must remain stationary, center of mass को stationary रहना है, तो m1 x1 must be equal to m2 x2. यह equation हम क्यों लिखते हैं, जरा recall करवा दें, m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2 must be xcm, और xcm is 0, क्योंकि हम center of mass के respect में देख रहे हैं. तो इधर m1 x1 और m2 और x2 चूंकि हमने नेगेटिव असाइन कर रखा है, इसलिए x2 इज इक्वल टू 0. एंड एज दिस इक्वेशन सॉल्व द टू इक्वेशंस एंड यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू मासेस. दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस शीट. इसी के साथ यह डीपीएस 4 शीट का डिस्कशन समाप्त हुआ. डीपीएस 5 का डिस्कशन करूंगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर में. सभी लोग उस शीट को करके लाइए. 5 और 6 तक मैं डिस्कशन कराऊंगा और